भाई मैं सनरूफ से बाहर निकलता हूँ और गाड़ी दिखाता हूँ। देख चलो मैं सनरूफ खोल के दिखा रहा हूँ गाइस, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। आगे आज भाई एक और ट्रैक के साथ आपके सामने। भाई फ्रेम में आपको दोनों ही भाई ब्लैक कलर की गाड़ियां दिख रही होगी, तो एक है अपनी भाई नई वाली वरना, दूसरी है भाई टाटा की नेक्सॉन। ये वाली स्टेज वन ट्यून्ड है, 1.2 लीटर के पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ आती है। अगर हम ट्यून के बाद की बात करें तो भाई आफ्टर ट्यून इसकी पावर स्पेक्स है 138 की BHP, साथ में ही 205 NM का टॉर्क। दूसरी तरफ भाई ये अपनी वरना 1.5 टर्बो वाली है, और टर्बो सबको पता है अभी तक भाई मतलब Hyundai या फिर कोरियन की सेगमेंट में फास्टेस्ट है ये। अगर इसकी BHP की बात करें तो भाई 158 की BHP, साथ में ही 253 NM का टॉर्क, और एरोडायनामिक भी ज़्यादा है, वेट में भी कम है नेक्सॉन से या फिर बराबर ही होगी। तो क्लियरली ही इनिशियल से ही एंड तक मेरे को तो वरना लग रही है, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वरना ही लग रही है ड्रैग में क्लियर। हाँ इनिशियल में बट मेरे को लग रहा है भाई मेरे को लग रहा है 30-40 तक नेक्सॉन रह सकती है या 50-60 तक, देखते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, और मिलते हैं आप सबसे वीडियो के एंड में। भाई देखना कितना गैप बनेगा मेरा, तो मैंने सनरूफ से बाहर निकल के उनकी गाड़ी इतनी पीछे हुई थी। हैं तो देखो भाई, भाई मैं सनरूफ से बाहर निकलता हूँ और गाड़ी दिखाता हूँ। देखना कहाँ पहुंच गई है। ओ भाई देखो कोरियन की बिल्ड क्वालिटी के लिए जो भी को, बट परफॉर्मेंस तो बढ़िया कर रहा है। नो डाउट है ना, कोई नहीं, बिल्ड क्वालिटी भी धीरे धीरे और 4-5-6-7 साल बाद कर ही देगी धीरे धीरे। तो भाई आज की रेस हमें 40-50 तक करनी पड़ेगी। मैं बोलू मैं नेक्सॉन चलाऊ, देख लो आप, मैंने लॉन्चिंग बढ़िया करी थी ना नेक्सॉन की। उनसे पूछता हूँ नेक्सॉन मैं चलाता हूँ। ठीक है फिर आप ऐसा करना ना, आरब नेक्सॉन चला लेंगे, रोहन भाई वरना चला लेंगे, स्वाप कर लेंगे ड्राइवर। हाँ एक बार फिर से स्वाप। आपकी बारी, आप क्या सेटिंग रख रहे हो भाई? हमारे तो स्पोर्ट्स मोड ही रहेगा, इसको डाल ले। नहीं अभी मैंने स्पोर्ट्स करे और ट्रैक्शन ऑफ पर है, एसी भी ऑफ पर है। चलो हॉर्न बजाओगे ना या 3-2-1 करोगे? मैं बजा दूं, ठीक है। और मैं सनरूफ देख लेता हूं कहां से खोलूंगा, हाँ ताकि मैं दिखा पाऊँ अच्छे से। पूरी खोल लो ना। नहीं नहीं बाद में आराम से दिखा दूंगा ना सनरूफ खोल के। भाई देखो इतनी पीछे का, ओ भाई वो बड़ी सही लॉन्चिंग होगी इसकी तो। 60 तक आगे हो गई। हाँ चलो मैं सनरूफ दिखा रहा हूँ गाइस, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। भाई एपिक कितनी पीछे थी भाई बहुत पीछे। पर यार बहुत बढ़िया चीज बनाई है Hyundai ने। अरे अपनी नेक्सॉन। हाँ जी हम आगे नेक्सॉन में। रोहन भाई चला रहे हैं वरना इको पे। एसी ऑफ है। एसी क्या आपका? ठीक है एसी ऑफ, इको मोड ही है, ट्रैक्शन ऑफ हमारा, एसी ऑफ स्पोर्ट्स मोड। चलो ठीक है, फोन मार चुके बुलाते हैं, उन्हें बोल दो फोन ही मार ले। बजाओ अरे भाई जल्दी चली गई। हाँ जल्दी चली गई, सेकंड राउंड में 80 के बाद क्रॉस हुई थी वो भाई, वरना ही जीत गई। चलो चलाते तो रहो, वहां तक तो जाना ही है वरना जीत गई। मैं ही चलाता हूँ, रुको। हाँ अभी चलाना भाई, जान है इस वरना में बहुत जान है भाई, भाई। बढ़िया भाग रही है भाई, मजा आ गया उसके साथ तो। 1500 CC यार टर्बो, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल भाग रही है वो। क्या से क्या, मैं चला रहा हूं मैं एक बार। आप एक मिनट, ये स्विच कैसे हो गया? प्रेस करना
मैं करता हूँ 3-2-1। अरे अरे भाई इतनी आगे निक्सन। अरे आ गई तो बड़ी स्पीड में निकलती है। हाँ वो भाई कैडी भागती यार वो। देखो 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 गोली की तरह जाती है एकदम सही में भाई। ऐसे निकलती है ना बिल्कुल फायदा ही नहीं है। मतलब ऐसे बस अब रोक लो बस ठीक है जान दो कोई मजा ही नहीं है। सही है भाई जीत गई भाई वरना जीत गई। कोई सी ये साथ भी लगा लो वरना जीतनी ही है। हमने देख लिए होंगे सारे राउंड टाटा नेक्सॉन एंड नई वाली वरना के और क्लियरली सारे राउंड में विनर आपकी वरना ही रहती है। मतलब अगर हमने लोएस्ट उसका इको वगैरह मोड भी लगाया था उसमें भी क्लियर विनर वरना। तो यही थी आज की कुछ ड्रैग। हम लोग मिलते हैं आपसे घर जाके बहुत जल्दी। तो गाइज आई होप सबने वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं करा भाई तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे आए। बाकी हम लोग मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सी एंड टेक केयर।